आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। थाना अदमादौला पुलिस ने चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 3 शातिर और 1 ज्वेलरी कारोबारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 6 चोरी की वारदात का खुलासा भी किया है। थाना अदमादौला पुलिस और सर्विलांस की टीम ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले सातरों को गिरफ्तार किया है। 3 सातिर चोर पकड़े गए हैं, साथ में चौथा सुनार राकेश भी पकड़ा गया है। राजू उर्फ जेड, बंटी जाट और हरीश को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग सातिर चोर बताए जाते हैं। राकेश चोरी के सामान को खरीदा करता था। देखिए, विगत दिनों थाना अदमादौला क्षेत्र में कई चोरी की घटनाएं हुई थी, जिसके क्रम में सीओ छत्ता के निर्देशन में थाना प्रभारी और क्रिमिनल सर्विलांस टीम को जो है हमने लगाया था, और आज हमारी टीम को एक अच्छी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें घरों में चोरी करने वाले गैंग के 3 अपराधियों सहित चोरी किए गए माल खरीदने वाले सोनार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इन सातरों के पास से 3,80,000 रुपये की नकदी बरामद की गई है। इसके अलावा ज्वेलरी भी बरामद की गई है। ऐसा बताया गया है, ये सातिर 3 महीने में 6 चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पूछताछ में इनके निशानदेही पे जो है करीब 3,80,000 रुपया और काफ़ी मात्रा में जेवरात जो है वो बरामद किए हैं। पुलिस ने तीनों सातरों का आपराधिक इतिहास खंगालना शुरू किया तो एक लंबा चौड़ा इतिहास सामने आया। तमाम मामले इन सातरों के खिलाफ थानों में दर्ज हैं। जो पूछताछ में अभी जानकारी प्राप्त हुई है, उसमें 1 अभियुक्त के ऊपर कुल 23 मुकदमे हैं, दूसरे अभियुक्त के ऊपर भी करीब 10 से ज़्यादा मुकदमे हैं और छानबीन की जा रही है। ये सभी अपराधी जो है अपने जनपद के रहने वाले हैं और सिकंदरा में कहीं किराए पर रह रहे थे। हम उसकी और छानबीन कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक लंबे समय से ये गैंग चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। ऐसा भी हो सकता है कि इनके और भी साथी हों। पुलिस का कहना है तमाम जानकारियां हासिल की जा रही हैं। थाना अदमादौला पुलिस द्वारा पकड़ा गया चोरों गैंग बेहद सातिर गैंग बताया जाता है। ऐसा बताया गया है ये गैंग लंबे समय से चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। हत्ते चले 3 चोर और 1 सुनार के कब्जे से भारी मात्रा में ज्वेलरी बरामद की गई है, साथ में नकदी भी बरामद की है। पुलिस ने 6 चोरी की वारदातों का फिलहाल खुलासा कर दिया है, लेकिन पुलिस को उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी चोरियों का खुलासा हो सकता है। पुलिस का ये भी विश्वास है कि इन चोरों के पकड़े जाने के बाद चोरी की वारदातों में कमी आएगी। कितनी कमी आएगी ये वक्त बताएगा। अपने साथी अखिलेश दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।